नमस्कार दोस्तों, गौतम स्पेशल बाय अनिल कुमार यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो बिफोर प्रिपरेशन कि जब हम विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो उस तैयारी करने से पहले हमें किन ज़रूरी बातों का ध्यान देना चाहिए, कौन कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं उन पे आज हम बात करेंगे कि जब हम तैयारी कर रहे होते हैं तो क्या क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो उसी के विषय पर आज जो है ये वीडियो मैंने बनाया है। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा मेरा उसमें यूपी ट्रिपल एससी वीडियो, लेखपाल, ग्राम पंचायत अधिकारी और ऐसी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं उनके बारे में मैं आप लोगों के लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो आज का जो टॉपिक है उस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ यूपी ट्रिपल एससी वीडियो बिफोर प्रिपरेशन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब हम किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं तो उस एग्ज़ाम के पैटर्न का पता होना हमें बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने में। तो जैसे कि आपके सामने एक स्लाइड ओपन है जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहली हेडिंग है वो है एग्ज़ाम पैटर्न, यानी कि जैसे कि आप लोग जो है फॉर्म फिल कर चुके हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो और विभिन्न परीक्षाओं में जिनमें आप इच्छुक हैं, तो एग्ज़ाम पैटर्न कैसे होना चाहिए होता है और उसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा कि सबसे पहले एग्ज़ाम कैसा होगा उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जैसे पहला पॉइंट दिया हुआ है, द एग्ज़ाम विल बी रिटन ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो वीडियो का एग्ज़ाम होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और इसमें तीन कैटेगरी में इनको डिवाइड किया गया है। 50-50 क्वेश्चन हर कैटेगरी में होंगे और जो फोर्थ पार्ट है इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जो इसमें मार्किंग होगी वो 0.5 की होगी, जो कि बहुत ही देखा जाए तो काफ़ी हार्ड मार्किंग है। अधिकतर एग्ज़ाम्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक जो है डायरेक्ट भर्ती है, इसलिए इसको थोड़ा टफ बनाने के लिए और इसमें कंपटीशन थोड़ा हार्ड करने के लिए इसको बनाया गया है कि इसमें मार्किंग जो है वो 0.5 की है, यानी कि अगर आप दो क्वेश्चंस गलत करते हैं तो उसमें से आपका जो है एक क्वेश्चन जो है गलत माना जाएगा, यानी कि आपके दो नंबर जो है लगभग दो क्वेश्चन एक क्वेश्चन दो नंबर का है तो उसमें से आपका 50% मार्क्स जो है वो काट लिया जाएगा। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहला दिया हुआ है हिंदी परिज्ञान एवं लेखन योग्यता, तो इसमें हिंदी के जो 50 क्वेश्चंस होंगे और ये 100 मार्क्स के होंगे। दूसरा दिया जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण, इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होंगे, ये हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा। और थर्ड दिया हुआ है इसमें थर्ड एंड लास्ट जनरल नॉलेज, जिसे हम सामान्य जानकारी या सामान्य ज्ञान के नाम से भी जानते हैं, तो इसके भी 50 क्वेश्चन होंगे और ये मैक्सिमम 100 मार्क्स का होगा। और इन 150 क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, जो कि काफ़ी कह सकते हैं इनफ टाइम है ये 150 क्वेश्चंस करने के लिए। इनके टोटल जो है 150 क्वेश्चंस होंगे वो मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो 300 मार्क्स जो हैं। तो इसमें इसका क्या सिलेबस है, इसमें क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी वो मैं आगे स्लाइड में है जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, और आप इसको फॉलो करें और आई होप आप ज़रूर इसमें जो है सक्सेस होंगे और आप इस कंपटीशन को बीट बीट करेंगे और आप जो है वीडियो बनेंगे। वीडियो बहुत ही
अच्छी अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं कि एक विलेज ग्राउंड लेवल पे आप अगर किसानों या हर कोई अपने जो है लगभग किसानों की हेल्प करना चाहता है, और यहाँ तक कि हर कोई जो है उसी बैकग्राउंड से है इंडिया में, तो आप उनकी हेल्प भी कर सकते हैं इससे, और आपको जो है अर्निंग भी होगी, गवर्नमेंट आपको सैलरी देगी और आप जो है फार्मर्स के लिए काफ़ी कुछ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम का जो सिलेबस है। सिलेबस इसका कुछ ऐसे है कि सबसे पहले पूछा जाएगा जनरल हिंदी। जनरल हिंदी में क्या क्या चीज़ें आएंगी, तो इसमें जैसे लिखा हुआ है, उक्त भाग में अभ्यर्थियों से हिंदी भाषा के ज्ञान समझ तथा लेखन योग्यता संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो हाई स्कूल लेवल तक का जो है हिंदी से जो है रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, हाई स्कूल या फिर उसके जो इक्विवेलेंट यानी समकक्ष जो होंगे उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस जो है इसमें पूछे जाएंगे अधिकतर। हिंदी में जैसे क्या क्या होगा, अलंकार होंगे, रस होगा, समास होगा, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, मुहावरे, वाक्य का संशोधन, लिंग वचन, ऐसी वर्तनी त्रुटि और इरर से भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट वन होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, जिसे हम आम बोल चाल भाषा में रीजनिंग भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो रीजनिंग होगी वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से इसमें थोड़ा अलग होती है रीजनिंग, ये ज़्यादा टफ रीजनिंग नहीं होगी। इसमें जो है आपकी स्टेटमेंट, आर्ग्यूमेंट्स, इस पर बेसिस ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप एक अधिकारी रैंक की जॉब के लिए जा रहे हैं, और यहाँ पे आपको जो है एक स्ट्रॉन्ग डिसीज़न लेना रहता है, और आपके पास उतना टाइम भी नहीं होता, टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए, इसीलिए जो है इसे जनरल इंटेलिजेंस के बेसिस पे जो है रखा गया है। तो इसमें किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इसमें दिया हुआ है, जैसे एनालॉजी हो गई, सिमिलरिटीज़ हैं, डिफरेंसेस, स्पेस, ऐसे अर्थमेटिकल रीजनिंग एंड फिगरल, तो कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, क्लासिक स्टेटमेंट एंड कॉन्क्लूजन और वैन डायग्राम, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे जो कि ज़्यादा हाई लेवल के नहीं होंगे। इंटर बेसिस पे एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपके इंटर लेवल तक का ही एक सिलेबस सेट किया गया है, उसी के अकॉर्डिंग आपसे क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। और जो नेक्स्ट वन है इसमें वो है जनरल नॉलेज, जो कि बहुत ही अहम रोल प्ले करेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा आपकी जब मेरिट बनेगी, क्योंकि डायरेक्ट भर्ती है, तो इसमें जिसके जितने ज़्यादा मार्क्स होंगे उसी के ज़्यादा चांसेस बनेंगे, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि हिंदी भी हर किसी को एक सरल सब्जेक्ट लगता है, एक जो है सिंपल सब्जेक्ट रहता है कि इजी है, इसे हर कोई कर लेगा, और रीजनिंग भी जो है उतनी टफ नहीं होगी, तो उसे भी हर कोई करेगा। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट एक रोल प्ले करेगा वो है जनरल नॉलेज, क्योंकि जनरल नॉलेज इतना ब्रॉड होता है जिसे कि हर चीज़ को जो है याद कर पाना उतना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए जीएस के लिए बहुत ही अच्छी अच्छी मैं ट्रिक्स लेकर आऊँगा, जिसमें कि आप थोड़े ही शब्दों को या फिर कुछ लाइंस को याद करके आप जो है उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी तरीके से। तो जनरल नॉलेज को देख लेते हैं इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में मेनली जो टॉपिक होंगे वो हिस्ट्री होगा, और उत्तर प्रदेश कल्चर, मोनूमेंट्स, जियोग्राफी, जनरल साइंस, करंट अफेयर एंड जीके ऑफ उत्तर प्रदेश और इंडियन पॉलिटी, इनसे रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस अधिकतर पूछे जाएंगे। जैसे UP SSSC है, यूपी का एग्ज़ाम है, यूपी गवर्नमेंट जो के अंडर में ये एग्ज़ाम होगा, तो
इसे UP SSC कंडक्ट करवा रहा है। तो जब एक स्टेट लेवल का एग्ज़ाम होता है तो स्टेट से रिलेटेड जितनी भी जो है जानकारियां होती हैं उन्हें कलेक्ट करना रहता है, और उसके जितने भी करंट करंट अफेयर्स हैं, करंट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कौन सी जो है स्कीम्स लॉन्च हो रही हैं उनके बारे में, उनका अमाउंट कितना है, वो किस फील्ड की जो है स्कीम लॉन्च हुई है और उसको किस कैबिनेट के द्वारा, कैबिनेट जो मिनिस्टर्स होते हैं उनके द्वारा से लॉन्च किया गया है, इन सब चीज़ों को जो है याद रखना होगा। बजट क्या है, तो स्टेट लेवल पे जितने भी वर्क हो रहे हैं उन्हें बहुत ही डीपली एनालिसिस करना है हम लोगों को, क्योंकि अगर आपको भीड़ से अलग दिखना है तो कुछ अलग करना होगा, तभी जो है हम आप इसमें फाइट कर पाएंगे। अदरवाइज कि हम सोचे कि हम सभी भीड़ में चलेंगे और हम सिलेक्शन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है इसमें। तो आपको कुछ अलग करना होगा, आपको अपनी स्ट्रेटजी बनानी होगी, उसे उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना होगा। तो ये जो सिलेबस आज आपको मैंने बताया है, इस सिलेबस को आप जो है नोट डाउन कीजिए और इसे फॉलो कीजिए। इसको टॉपिक वाइज, इसका टॉपिक आपको जो सिंपल टॉपिक्स लगते हैं उनको आप एक अलग नोट्स पे जो है उन्हें आप कॉपी कीजिए, और जो मैं आपको कंटेंट दूंगा, जितना भी मेरे पास कंटेंट है UP SSC से रिलेटेड और वीडियो से रिलेटेड, जितना भी होगा मेरे पास इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ट्रिक्स, वो मैं सब आपके साथ में शेयर करूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए, मैंने आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें तो इसमें बता ही दी हैं, और नेक्स्ट वीडियो में जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में जो है ट्रिक्स लेके आऊँ, जो कि आप बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रिक्स होंगी, वो आप उनको याद करके आपका काफ़ी कुछ जो है क्वेश्चंस बहुत ही इजी तरीके से याद कर सकते हैं, जो कि अधिकतर रिपीट होते रहते हैं क्वेश्चंस, और उनमें से क्वेश्चंस आने ही आने हैं, क्योंकि UP SSC का एग्ज़ाम है और जो है एक इंटर लेवल का एग्ज़ाम है, तो इसमें क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं होंगे, वो बेसिक बेसिक नॉलेज से ज़्यादा रिलेट करते हैं कि हाई स्कूल लेवल तक होता है, तो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी नई वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और आप अपने जो है कमेंट्स करके मुझे सुझाव ज़रूर दें कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूव कर सकता हूं। अगर आपके पास भी कोई कंटेंट है या कोई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आपके पास जानकारी है, तो आप उसे मेरे साथ शेयर कीजिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।